नमस्कार, मैं ब्रह्म प्रकाश ओझा श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI द्वारा संकलित अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नवाचार के विषय में जानेंगे। आज हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 2 संख्याओं के मिलन पाठ को गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार माध्यम से क्रियान्वित करेंगे। वैसे तो हम संख्याओं के मिलन पाठ को ZIIEI के विभिन्न नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित कर सकते हैं, परंतु आज हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से क्रियान्वित करेंगे और इसके पुनः अभ्यास प्रक्रिया को समझेंगे। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट है, जिसे एक शिक्षक पे 30 विद्यार्थी को ध्यान में रखकर सुनिश्चित किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा या कम होने पर क्रियान्वयन का समय भी कम या ज़्यादा हो सकता है। आइए हम जानते हैं इस नवाचार में नवीनता क्या है। गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार में कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। आइए हम जानते हैं इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया क्या है। यह नवाचार संख्याओं के मिलन पाठ में निहित 4 अंक की संख्याओं के जोड़ कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस नवाचार में शिक्षक गृह कार्य की प्रक्रिया को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्नों के आधार पर 4 अंकीय संख्याओं के जोड़ कॉन्सेप्ट की जानकारी प्रदान करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से पूर्व शिक्षक कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हैं, जैसे शिक्षक स्वयं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार संख्याओं के मिलन से संबंधित तालिका की प्रति को तैयार करके लाएंगे। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के माध्यम से दिए गए गृह कार्य को विद्यार्थी अपने अभिभावक तथा घर के आसपास के लोगों की सहायता लेकर तालिका में दिए गए कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनः अध्ययन प्रक्रिया हेतु शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ आवश्यक निर्देश देते हैं, जैसे सभी विद्यार्थी घर जाकर अपने से बड़ों को आज पढ़ाए गए पाठ को अपने शब्दों में सुनाएंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को तालिका और निर्देशों की एक प्रति देंगे। आइए कुछ उदाहरणों से इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। शिक्षक ने एक तालिका बनाई जिसमें उन्होंने दो स्तंभ और कुछ पंक्तियाँ बनाई। शिक्षक ने एक स्तंभ के ऊपर लिखा बर्तन और दूसरे स्तंभ के ऊपर लिखा बर्तनों की संख्या और बर्तन वाले स्तंभ के अंतिम पंक्ति में लिखा बर्तनों की संख्या का कुल योग। अब शिक्षक विद्यार्थियों को एक स्तंभ की पंक्तियों में अपने घर की उपस्थित बर्तनों के नाम, जैसे कटोरी, थाली, गिलास आदि, तथा दूसरी पंक्ति में उन बर्तनों की संख्या लिखकर उनका कुल योग लिखने का निर्देश दे। सभी विद्यार्थी घर जाकर अपने परिजनों और आसपास के लोगों की सहायता से शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को करते हैं। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि आप लोगों ने इस गतिविधि के द्वारा 9999 तक की संख्याओं के 4 अंकी संख्याओं का जोड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सभी विद्यार्थी तालिका को सावधानी से अपने अभिभावकों को देंगे। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य उत्तरदायित्व अर्थात अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाना का विकास होता है। शिक्षक विद्यार्थियों को बताएंगे कि अगले दिन तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर पाठ को दोहराया जाएगा। इससे विद्यार्थियों में निहित मूल्य सहयोग अर्थात अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करने का विकास होता है। विद्यार्थी तालिका भरकर लाएंगे और अगले दिन कक्षा में सभी को सुनाएंगे। इस पाठ को शिक्षक उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार मई महीने में पढ़ा सकते हैं।
इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान हमने हिंदी भाषा तथा गणित के अंतर्गत निम्नलिखित सीखने के प्रतिफलों को सुनिश्चित किया है, जैसे 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं, अस्थानी मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को पढ़ते तथा लिखते हैं, छोटी राशियों को समूह अथवा बिना समूह के जोड़ते तथा घटाते हैं, कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से समझते हुए सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय बताते हैं, अपने तरीके से कहानी, कविता आदि अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। आसपास होने वाली गतिविधियों, घटनाओं और विभिन्न स्थितियों में हुए अनुभवों के बारे में बताते, बातचीत करते और प्रश्न पूछते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ सुनिश्चित करते हैं। आइए हम नवाचार के जीवन कौशल और मूल्यों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में मूल जीवन कौशल जैसे आत्मविश्वास, जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण का विकास होता है। इस नवाचार के द्वारा विद्यार्थियों में निहित मूल्य जैसे सहयोग के अंतर्गत अपने परिवार के लोगों और दोस्तों की सहायता करना, निहित मूल्य साहस के अंतर्गत कठिन कार्य करने की स्वेच्छा, निहित मूल्य उत्तरदायित्व के अंतर्गत अपने काम या दायित्व को सजगता और विश्वसनीयता के साथ निभाने का विकास होता है। इस गतिविधि को अनुभवात्मक माना जाता है, इसलिए बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी भागीदारी को प्रधानता दी जाती है, जो NCF 2005 के बिंदुओं को मजबूत करता है। इस नवाचार के उपयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे निम्न संज्ञात्मक क्षमता वाले बच्चे अपने बहु इंद्रियों के माध्यम से स्वयं कॉन्सेप्ट की जांच करके समझ विकसित करने में सक्षम हो, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों में अधिगम को चिरकाल तक स्थापित किया जाता है। यह आर्टिज्म से ग्रस्त विद्यार्थियों को नए स्थानों और वस्तुओं के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में सहायक होता है, परंतु इस गतिविधि की उपयोगिता के प्रयोग से पूर्व शिक्षक को आर्टिज्म से ग्रसित बच्चों की संवेदनाओं को समझना आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने विद्यालय में इस नवाचार को अवश्य क्रियान्वित करवाएंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। यह नवाचार आपको कैसा लगा, इसके विषय में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह के कई और रोचक नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। हमें आपसे अनुरोध है कि ZIIEI का YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। यदि आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हो तो ZIIEI का Facebook पेज जरूर लाइक करें। आप नीचे दिए गए लिंक से इनोवेटिव पाठशाला का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।